जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। किसी ने सच कहा है, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनदेशक न्यूज़। पेश है आज की खास पेशकश, समान कार्य समान वेतन। अनदेशक जिंदा है। समान कार्य समान वेतन का कानून तो बना, लेकिन प्रदेश की सरकारें नहीं दे रही हैं अनदेशक शिक्षकों को उनका हक, मानदेय 17,000। आज कोर्ट केस की बड़ी सुनवाई होने जा रही है। क्या कोर्ट फैसला लेगा अनदेशकों के हक में? क्या उनको मानदेय 17,009% ब्याज की 2017 से अब तक मिलेगा? बड़ा सवाल। लगातार अनदेशकों के लिए तन मन धन से संघर्ष करते हुए विक्रम सिंह जी का वो ऑडियो जो स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से हमारी टीम ने लिया है, हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। चिंता नहीं हो रही है? आपको चिंता क्या हो रही है? आप तो हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, अरे रहिए। लेकिन जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, हमें अच्छा लगता जब उस दिन मोदी जी आए थे और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक किए थे, हम स्वागत करते, अभिनंदन करते जब मोदी जी उस बैठक में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की बात करते और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी को कहते कि अनुदेशकों की समस्या क्या है, इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है। हम स्वागत करते मोदी जी, लेकिन आप तो इस प्रकार की समस्या की चर्चा ही नहीं करेंगे। आप तो ऐसे ऐसे मुद्दे ले आएंगे देश के सामने जिससे देश के जनता का ध्यान भटक जाए और आप और सिर्फ चुनावी मोड में रहे। अरे एक चुनाव लड़े और 24 की तैयारी करिए, अच्छी बात है। लेकिन जो मूलभूत समस्या है इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों का, इस प्रदेश का अनुदेशक, इस प्रदेश की महिला अनुदेशक किस प्रकार से कार्य करती है, अपने विद्यालय में 100 से 110 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय जाती है। आज पेट्रोल का भाव देखिए 105.40 रुपया हो चुका है। एक दिन में जब हम 2,233 रुपया पाने वाला निवेशक 200 से 250 रुपये का तेल भराता है, पेट्रोल भराता है। गैस का दाम देखिए, किसी को कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश का निवेशक क्या खाएगा क्या पिएगा, इसकी चिंता किसी को नहीं है। केवल चिंता है तो हमारी सरकार कैसे बने। एक बार सरकार बनाया, अब अगले सरकार की चिंता है। चिंता करिए, लेकिन हम अनुदेशकों के बारे में भी मोदी जी आपको सोचना चाहिए, योगी जी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हम आपके कर्मचारी हैं। क्यों आप हमारे साथ इतना भेदभाव करते हैं? आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का विकास नहीं होना चाहिए? क्या हम इस प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या हम इस देश के निवासी नहीं है? क्या हम बांग्लादेश से आए हैं? क्या हम पाकिस्तान से आए हैं? क्या हम चाइना से आए हैं जो हमारे साथ इतना भेदभाव? एक ही छत के नीचे किसी को 70,000 देते, किसी को 1,00,000 देते, हमको 7,000 देते। हमारी भी डिग्री वही है, क्या हमको 70,000 नहीं मिल सकता है? जब एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक ही डिग्री पे कोई 1,00,000 पाता और कोई 7,000 पाता, तो इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है जिसने कहा था, जिसने कश्मीर के लिए अपना जान भी कुर्बान किया था और कहा था एक देश एक विधान एक निशान। तो आप तो उस पार्टी के लोग हैं जो एक देश एक विधान एक निशान की बात करते, तो फिर एक विद्यालय में एक छत के नीचे कोई 70,000 पाता, कोई 10,000 शिक्षा मित्र पाता, कोई 7,000 अनुदेशक पाता। इस प्रकार की व्यवस्था को मोदी जी आपको सोचना चाहिए, योगी जी आपको सोचना चाहिए। और आप किससे लड़ रहे हैं? एक 7,000 पाने वाला व्यक्ति से आप लड़ रहे हैं? अरे क्या लड़ रहे हैं? एक प्राइवेट वकील आप करते हो एक 7,000 पाने वाला से? अरे वो कोर्ट में क्या लड़ेगा? अब उसको तो खाने के कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो दाने दाने का मोहताज है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा, उसके बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो दवा दारू नहीं करा पाता, और जब शाम को घर लौटता है तो अपने बच्चे को टॉफी चॉकलेट नहीं दे पाता। उस उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की पीड़ा आपको योगी जी मोदी जी आप समझ नहीं रहे हैं, आपको समझना चाहिए। और कोर्ट का जो जिस प्रकार से माननीय एपीसी जी दबाए 12 मुंबई को, हमें याद है इससे पहले जो तरह तरह के जब भी कोर्ट में डेट आती थी
तो लगता था, हम लोग सोचते थे कि हमारा केस लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आदरणीय सुरेंद्र दुबे सर का, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा सर का, और वो तो एपीसीडी जब मसीहा बनकर उत्तर प्रदेश के मसीहा के रूप में जब इलाहाबाद की सर जमीन पर कदम रखा था, तो उसी दिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अंदर एक अजब सी हलचल पैदा हो गई थी। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को लगा था कि अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, और वास्तव में एपीसीडी ने जिस प्रकार से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी बातों को रखा, इस प्रदेश के अनुदेशकों को एक नया जीवन मिला है। और उत्तर प्रदेश कभी ऐसा नहीं हुआ सर, 2020 से लड़ाई लड़ रही है डबल बेंच में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पौने दो घंटे, डेढ़ घंटे, एक घंटे की बहस हुई और तारीख पे तारीख लगती थी, लेकिन कौन सा ऐसा चमत्कार एपीसीडी ने कर दिया कि एक हफ्ता के अंदर चार डेट लग गई। तो कहीं ना कहीं एपीसीडी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशक कल टकटकी लगाकर 12 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर नजर रखेगा कि आज हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हमारे भी 17,000 का फैसला जो सत्र 2017 में मिल जाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश सरकार एक एक अनुदेशक का 7-7 लाख रुपया लेकर बैठी है। और जीरो टॉलरेंस की बात करते, भ्रष्टाचार निकाले की बात करते, अरे मोदी जी, आपको योगी जी को भी कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का 7 लाख रुपया लेकर बैठे हो, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या भ्रष्टाचार की सीमा में नहीं आता? बिल्कुल आता है, लेकिन आपको तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का खून पीने में मजा आता है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के खून में आपको न जाने कितनी मिठास है कि उसका खून पीना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, कल जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि सत्य